अबे क्वेश्चन नंबर चार, आकृति दे रखी है, ए बी सी डी क्या दे रखा है? एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए पी बी मतलब ये वाला और पी सी डी मतलब ये वाला, ये दोनों आधे हैं ए बी सी डी के। तो उसके लिए देखो, आपको ये और ये त्रिभुज लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा रचना। हम एक ई एफ समानांतर ए बी के और समानांतर डी सी के रेखा खींचेंगे। और ये हो गया है आपके ई और ये हो गया है आपके एफ। अब उपपतिम, सबसे पहले लेंगे हम ये वाला जिसका नाम है पी सी डी, या इधर से ले सकते हो, ए पी बी भी ले सकते हो। तो ए पी बी और ये वाला चतुर्भुज का नाम क्या है? मैंने समांतर रेखा ही खींची है, तो समांतर खींची है तो ये भी समांतर चतुर्भुज ही कहलाएगा। वैसे देखो, एक तो ये हो गया आपके ए पी बी, जो नाम है वही लेना है, एरिया ऑफ ए पी बी एवं एरिया ऑफ क्या नाम है, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई से। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर तीन में किया था, सेम वैसे ही करना है। अब इसमें क्या है, देखो आपके ए बी नाम इसमें भी और ए बी नाम इसमें भी है, ए बी दोनों का एक ही आधार है, ये रहा इधर से उल्टा करके, ये आधार दोनों का एक ही है सेम। तो इसलिए देखो, दोनों का एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच है, तो ये ए बी एक ही आधार है। और रेखाएं भी क्या है? समांतर। ए बी समानांतर क्या है आपके? ई एफ। क्यों है? क्योंकि हमने क्या की है? रचना की है। तो एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बना त्रिभुज हमेशा चतुर्भुज का क्या होता है? आधा होता है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए पी बी बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी एफ ई का आधा होगा। अब जैसा हमने इधर लिखा है वैसे ही यहाँ भी करेंगे सेम, तो इतना क्या होगा ना, सीधा लिख सकते हो हम इसी प्रकार, इसको मान लो समीकरण नंबर एक, इसी प्रकार ये वाला पी सी डी यहाँ लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पी सी डी बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ सी डी ई एफ, ये वाला सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपके दूसरा। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, तो समीकरण नंबर एक व दो को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ इसको और इसको जोड़ दो, ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ये वाला ए बी एफ ई प्लस 1/2 एरिया ऑफ सी डी ई एफ। अब एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी बराबर 1/2 क्या आ गया? कॉमन, पीछे बच गया है ये वाला भाग, मतलब एरिया ऑफ ए बी एफ ई प्लस एरिया ऑफ सी डी ई एफ, ये दो भाग बच गए। अब एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी बराबर 1/2। अब इस वाले चतुर्भुज को और इस वाले को जोड़ने पर पूरा बनता है कंप्लीट एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये बनता है। तो ये बन गया ए बी सी डी, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। अब जैसा हमने इसमें किया है वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी रेखा खींचकर फिर ऐसा इधर करना है सेम। तो क्या लिखोगे? जैसा इधर किया है वैसा ही पूरा का पूरा इस भी प्रकार करेंगे। तो ये त्रिभुज इसका नाम दे रखा है ए पी डी, तो एरिया ऑफ ए पी डी प्लस
एरिया ऑफ पी बी सी, जैसे ये दोनों भाग इस पूरे के आधे हुए थे वैसे ये दोनों भाग भी क्या होंगे, एक बटा दो एरिया ऑफ ए बी सी डी। यहाँ है समीकरण नंबर तीसरा और यहाँ है समीकरण नंबर चौथा। यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर तीन व चार से ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ, क्या नाम लिखा हुआ है, ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी बराबर, ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर, तो एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी इति सिद्धम, ऐसे सिद्ध कर सकते हैं।